بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولأنة الله على آداء مجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من التين كحيه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابري الالكم والابرص وأحيي الموت باذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين سوره ال عمران ايه نمبر 49 اور بني اسرائيل کی طرف رسول بنائے और जब वो मबूस होगा तो कहेगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से मुआजा लेकर आया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ और इसमें फूक मारता हूँ और वो खुदा के हुक्म से परिंदा बन जाता है और मैं खुदा के हुक्म से मादरजाद अंधे और कोड़ी को शफा देता हूँ और मुर्दों को जिंदा करता हूँ और जो कुछ तुम खाते हो और अपने घरों में जमा करते हो वो तुम्हें बताता हूं बेशक इसमें तुम्हारे लिए खुदा की कुदरत और मेरी नबूवत की बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो इस वक्त तमाम दुनिया में मजहब हक अहल बैतम सलाम के खिलाफ एक प्रोपेगंडा और शोर शराबा बड़े जोरों पर है और पैसे के जोर पर कुछ लोगों ने शी में भी असर व रसूख हासिल कर लिया है कि अलहमदिल्ला वो बेनकाब हो चुके हैं और इसमें पेश पेश लाहौर के एक मदरसे के मदरस और सोशल मीडिया पर उनकी टीम है कि जिसका हदफ हर वक्त मज़ब अहल वैत पर हमला करना और दुश्मन ने अहिल के फजाइल पढ़ना और उनको खुश करना है तो सबसे पहले तो हम बताएं कि किसी भी दीन और मजहब के खिलाफ प्रोपगंडा गलत है इल्मी गुफ्तु होनी चाहिए दीन, मजहब और नजरियात की बुनियाद पर किसी को भी कत्ल नहीं किया जा सकता खूस इस पाकिस्तान में कि जहां पर रसूल सल्हलम का नाम लेकर ले कभी एक बैंक मैनेजर को मार दिया जाता है और कभी मशाल खान को मार दिया जाता है सिर्फ जलन और हसद की वजह से और उस पर तोहमत लगा दी जाती है तो रसालत की तो ऐसे माहौल में शियों को गाली कह के और उनको बदनाम करना या ये कि कोर्ट में जाकर कर हलू के नाम से और शर्क के नाम से मुकदमे दर्ज करना कि जिसका नतीजा मुस्तबिल में निकलेगा कि मख्तल जगह मुख्तलिफ जजमेंट को दलील के तौर पर शियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा अब यहाँ पर हम तोज्जो दिलाएं कि खुदाबन तबारक तौ की वहदानियत का बाज़ दफ़ा लोग जिक्र करते हैं रसूल सल्ला वसलम की तोह करने के लिए या अहिबैत वसलम की तोह और तनकीस करने के लिए और इसकी एक वाज मिसाल है कि शाह इसमायल दहलवी ने किताब लिखी तकवियत अईमान और उसमें उसने गंदी जबान इस्तेमाल की और जसारत की रसूल सल्ला वसलम की शान अकदस में और ममिन इसे सर्च कर सकते हैं और यही किताब अहम इख्तलाफ का सबब बनी देवबंदी और बरेलवियों में और उसने रसूल अल्लाह अल्ला वसलम की शान अकदस में जसारत के लिए तो की आड़ ली एन यही काम हमारे यहाँ हो रहा है कि तोहद की आड़ में अहिल बैतम सलाम पर हमले हो रहे हैं और साथ ही इस आड़ में हमले हो रहे हैं कि जी किसी भी दीन के बुजुर्गों की तोहिन न की जाए तो तोहिन करना अलग मौजू है तोहिन नहीं करनी चाहिए लेकिन तारीखी हकाइक बयान करने चाहिए लेकिन किसी भी सूरत दुश्मनान अहले बैतम सलाम के फजाइल बयान नहीं होने चाहिए और दुश्मनान अहले आम सलातम के लिए राहों को हमवार नहीं करना चाहिए और उनके जराइम को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए खूस मसाधरा कह के जो उन लोगों ने माल लूटा अहले बैत अहिलम का कि जिसमें फदक भी शामिल था उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए यह बदतरीन जुल्म है कि खुदा वंदारक वाली ऐसे अफराद पर लानत फरमाए अगर वो वह अकलोशर रखते हैं और अगर जाहिल हैं और अक्लोशर नहीं रखते तो दुआ है कि खुदावन तबारक वाली उनकी हिदायत फरमाए और उन्हें अकलोशर दे ऐसी बातें करने वालों को भी और ऐसे अफराद के सपोर्टर्स के लिए भी यही दुआ है अब सबसे पहले तवज्जो दिलाएं इब्ने तैमिया के चार सौ अट्ठाईस ऐसे फतवे हैं कि जिसमें उसने कत्ल का कहा है और ये साहब भी अब शियों की अक्सरियत को गाली करार देकर और उनके कत्ल की बात कर रहे हैं अब पाकिस्तान में ये देखने में आ रहा है कि लाहौर का एक मदरसा जो अहले बैत और मजहब हक़ अहल बैतम्सम के मॉरल को हर वक्त डाउन करने में लगा हुआ है और दुश्मन अहल बैतम सलातम और तकफीरियों के मॉरल को हाई करने में लगा हुआ है उनकी वजह से बाज लोग तोहन कर रहे हैं इमाम खुमैनी रिजवानुल्ला ताला रिजवान्ल तो सबसे पहले हम उनकी तवज्जो दिलाएं कि अब्बल तो ये ना समझें कि उनका कोई ताल्लुक इस लाहौर के मदरसे के मदरस का कोई ताल्लुक इमाम खुमैनी से है क्योंकि वो नमाज जुम्मे के मौजू में नमाज ईद के मौजू में और चांद देखने के मौजू में और दरस ख़ारिज के मौजू में बदतरीन तोह कर चुके हैं इमाम खुमैनी की और ईरान की पूरी पॉलिसी की वो मुखालफत कर चुके हैं इसराइल के दिफा में और ये मौजू बिल्कुल अलग है और आप तफसील से इसको देख सकते हैं लेकिन हम ये तोज्जो दिलाना चाहते हैं कि इन लोगों की वजह से इमाम खुमैनी रजवानल्ल त तोह ना की जाए और ये ना समझा जाए कि इनका उनसे कोई ताल्लुक़ है अब हम ममिन की तवज्जो दिलाएं चंद उन मौजूद की जानब के जो आयतल उज़मा सैद्ल मूसवी रज़वानल्ल तैय ने अपने क़ुतुब में फ़जायल सलाम की सूरत में बयान किए गो कि वो बहुत ही इलमी फ़जाइल इरफ़ानी फ़जाइल अहल बैतम बयान फ़रमाते थे उनकी अरबी फ़ारसी कुतुब में सारी चीज़ें मौजूद हैं फ़िलहाल हम चंद हवालों के साथ ये बयान करेंगे ताकि वो लोग कि जो इनकी वजह से उनसे बोहज रख रहे हैं तो उनको क्लियर करें दूसरे तालब इल्मों की तवज्जो दिलाएं कि वो फ़जाइल बयान करें और इल्मी फ़ाइल बयान करें और ये ना सोचें कि फ़जाइल बयान करना जो है वो उल्मा का काम नहीं है बल्कि बिला शक सबसे अहम काम कामा का फ़जाइल अहिलम तो बयान करना है रसूल अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद और तीसरे मरहले में हम तवज्जो दिलाएँ इन लोगों की कि जो इनकलाब का या ईरान का या वलायत फकी का या निजामे इमामत का या इमाम खुमैनी का या आगा खामनाई का नाम लेकर इस वक्त हक़ अहले बैत पर हमले कर रहे हैं और दुश्मनान बैत बैतम को सपोर्ट कर रहे हैं यही वजह है कि उनके क्लिप अमूम वहाबी वेबसाइट्स में और दुश्मनान अहिल बैत उनकी चीज़ें चलाते हैं और उनकी सारी चीज़ें मजहब हक अहल बैत सलाम के चाहने वालों और मानने वालों की दिला का सबब है अब वो एक ज़माने में बिलाखिर कभी उस मजहब और मकतब में थे शयत में दाखिल हुए और अब दोबारा शयत से निकल गए तो सबसे पहले हम तो दिलाएं फिर समर की जानब कि इनसे कहा जाए कि जब आप निज़ाम इमामत की बात करते हैं तो इमाम खुमैनी रिजवान तो ये फरमाते हैं कि पहला मौजूद निज़ाम इमामत से पहले फजाइल इमामत है तो फजायल इमामत तो आपकी जबान से कभी निकलते ही नहीं लिहाजा वो अफराद के जो इंसाब से धोखा खा रहे हैं उनकी तवज्जो भी दिलाएं कि वह अपने उस्ताद से कहें कि आइए जिस तरह से आयतल सैदुल्लूमैनी फ़जाइल अमीरुल अमीरमअमिन या फज़ा बैतून सलाम या उनके मकाम मानवी बयान फरमाते थे आप पहले ये तो बयान फरमाइए क्योंकि वो ये कह चुके हैं कि हुकूमती मसला बाद में है पहले ये वाला मौसु है आपके सामने अब किताब है विलायत फ़कीर इमाम खोमैनी और सफ़ा नंबर है एट्टी वन कि जिसमें उन्होंने बहुत सारे मौजूद को डिस्कस किया है और हैडिंग है विलायत तकवीनी यानी तमाम मखलूक पर अहिल बैतम सलाम की विलायत इमाम के लिए हुकूमत और इस बात विलायत का लाजमा यह नहीं है कि इमाम मकाम रूहानी न रखते हों इमाम के लिए वजीफ हुकूमत से अलग मकामात रूहानी भी हैं और वो मकाम खिलाफत कुल्ली इलाही है कि लसान आयमा में भी इसका जिक्र किया गया है और वो खिलाफत तकवीनी है कि जिसकी वजह से कायनात का हर जर्र ये अमर के सामने हाजिर है तो यहाँ पर वाज फरमा रहे हैं कि आयमा सलाम की जब हुकूमत या विलायत की बात की जाए शर्यी एतबार से तो इसके माना यह नहीं है कि इनके पास सिर्फ यही है और कुछ नहीं है बल्कि उनके मकामत मानवी हैं मकामत रूहानी हैं जो हुकूमत और इन चीज़ों से अलग हैं और उन्हें कहा जाता है खिलाफत कुल्ली इलाही और रवायात में इसका जिक्र है और इसी को कहा जाता है खिलाफत तकवीनी और इसकी वजह से कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जो है वो मासूमिन की बारगह अकदस में हाजिर है यानी जो वो हुकुम देंगे उसके मुताब होगा हमारे मजहब की ज़रूरियात में से ये बात है कि दुनिया का कोई भी फ़र्द आयमा के मकाम रूहानी व मानवी तक नहीं पहुँच सकता यहाँ तक कि मलक मकरब और नबी मुरसल भी नहीं पहुँच सकता हमारी रवायात की बिना पर उूला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयमा इस आलम से पहले अनवार थे जो ज़िले अरश इलाही में थे यानि अरश के सए में थे अब यहाँ पर वो डिस्कस फरमाते हैं कि इनकी खिलकत और तीनत में आम लोगों से फर्क है क्या फरमाते हैं इनका नतफ़ा व तीनत में भी तमाम लोगों से इम्तियाज रखते थे इनके मकामात इला माशा हैं यानी यहाँ पर इला माशा कह के ये उर्दू में माशा नहीं कहा जा रहा उस माना में बल्कि इला माशाला से ये फरमाते हैं कि उनके मकाम की कोई हद व नहीं है कहां तक हैं इला मा शाउल्ल्ला यानी जहाँ तक अल्लाह सुबहाना हुआ ने चाहा है वहाँ तक उनके बुलंद मकामात हैं कहाँ तक जहाँ तक अल्लाह सुबहाना हुआ ने चाहा है जैसा कि महाराज की रिवायत में है कि जनाब जब्राइल सलाम ने अर्ज़ किया लौदन तोमोलता अगर मैं एक अंगश भी और करीब हो जाता तो जल जाता या मासूम का यौल इ न लना हालत ला सू मलकन मकर्रबन वला नबीन मुरसन हम खुदा के साथ ऐसे हालात रखते हैं जो ना फ़रिश्ते मुकर्रब रखता है और ना नबी मुरसल रखता है हमारे मजहब का ये जुज़् है कि हमारे आयमा ऐसे मकाम के हामिल हैं कबल इसके मौजू दरमियान में हो यहाँ पर तर्जुमे में कुछ कमी है अगर फारसी का आप मतन देखें तो वहां पर जो असल तरज गुफ्तु है वो क्या है कि इन मजहब मोस के आइमा सलात आन के मौजूत दरमेन बाश यानी आइम्सम इन बुलंद मकामा पर फ़ाइज़ हैं इससे पहले कि हम हुकूमत के मसाइल को डिस्कस करें पहले हम ये डिस्कस करें पहले ये इनके मकाम हैं बाद में जो है मौजू आता है हुकूमत का या दुनिया के लोगों पर विलायत का या बलफाज दीगर विलायत तशरी का हमारे मज़हब का ये जुज़ है कि हमारे आयमा ऐसे मकामा के हामिल हैं क़बल इसके के मौजू दर मौजू हुकूमत दरमियान में हो जैसा कि हजब रिवायत ये मकाम मानवी हज़रत जहरा को भी हासिल हैं हाल के मासूम आलम सलम ना हाकिम हैं ना काजी हैं ना खलीफा हैं ये मकाम वजीफ़े हुकूमत के मासबा हैं अब यहाँ पर फरमाते हैं कोई ये ना समझे कि हजरत फातमा सलमाम क्योंकि नबी नहीं है इमाम नहीं है खलीफा नहीं है काजी नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं है फरमाते हैं ना उनके मकामा हैं बहुत ही बुलंद तो यह ना समझे कोई वह हमारे और आपकी तरह है इसका मतलब हरगेज यह नहीं है कि हमारे और आपकी तरह थी यह हम पर मानवी बरतरी नहीं रखती थी इसी तरह अगर कोई क़ायल हो ए नबी अमिन मिन अनफ सहम के रसूल सल वसम ममिन से बेनस्बत इनके नफसों के ज़्यादा अला हैं तो इसकी ये बात इससे बुलंद है कि हजूर मकाम विलायत व हुकूमत रखते थे वैसे मैं इस वक्त इस सिलसिले में कोई गुफ्तु नहीं करना चाहता क्योंकि ये दूसरे इम का मौजू है ये इनका डिस्कशन है किताब विलायत फ़कीह में और एक चैप्टर में उन्होंने इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया और वाज बता दिया कि फ़ाइल और मकामा मासूमिन का मौजू पहले है और हुकूमत और दीगर चीज़ों का मौजू बाद में है और जो निज़ाम इमामत को बयान करना चाहे वह पहले मकाम इमाम को बयान करे और हम ये देख रहे हैं कि निज़ाम इमामत की आड़ में दुश्मनान अहल सलाम को इमाम और खलीफा और उनके मकामात और उनकी सियासी पॉलिसीज़ को बयान किया जा रहा है हम उनके तरफ़दारों से भी गुजारिश करेंगे कि आयतल उस्मा सूसवीमैनी रज़वानल्ल तैय की इन तालीफात की जानब ख़ुद भी तवज्जो दें उन्हें भी तोज्जो दिलाएँ और कहें कि जिस तरह से वो वहदत के अलंबरदार थे इनकलाब उनके दम से था लेकिन उन्होंने पहले इन चीज़ों को बयान किया आप भी पहले इमामत अहले अलैहि अहिलत सलाम को साबित करने की बात करें जिस तरह से आज ईरान और अमेरिका को बराबर नहीं कहा जा सकता यह नामुमकिन है कि आप कहें कि हम तरफदार तो ईरान के हैं लेकिन इतने ही तरफदार जो हैं वो अमेरिका के हैं बिल्कुल ऐसे ही मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहि अमीर सलाम और उनके दुश्मनों को बराबर नहीं समझा जा सकता दोनों का साथ नहीं दिया जा सकता दोनों के फजाइल नहीं पढ़े जा सकते अब आपके सामने किताब है इमामत और इंसान कामिल इमाम खुमैनी की नज़र में इदार तलीमों तरबियत लाहौर और जो हमारे सामने इस वक्त मतन है इमामत और इंसान कामिल इमाम खुमैनी की नज़र में और ये छापा है मौससे तंजीमें तंजीम व नशर आसार इमाम खुमैनी बैन अवी अमूर और ये वेबसाइट पर मौजूद है अब यहाँ पर ये यह फरमाते हैं विलायत यानी तकमील दीन और इतमाम किसी चीज के कमाल से मुराद वो अमर है जिसकी बदौलत वो चीज कामिल होती है और इसके नवाकिस दूर होते हैं यानी यहाँ पर ये यह फरमा रहे हैं कि दीन कामिल हुआ है किसके जरिए से मौला अमीर सलाम की अमामत के जरिए से लिहाजा फरमाते हैं नीज इसी बिना पर विलायत अलवी और ब्रैकेट में है अल्लाह हमें इस पर हमेशा साबित कदम रखे कमाल दीन और इतमाम नहमत है जैसा कि अल्लाह सुबहान ताली के अरशाद सूर्य माहा की आयत नंबर तीन में आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नहमत को मुकम्मल कर दिया अलियम अकमल तो दीकुमत नहमति व रज़ी तो सलाम दी और वाज फ़रमा रहे हैं कि ये दीन मुकम्मल हुआ है ये दीन कि जिससे अल्लाह सुबहान राज़ी हुआ है ये जब रसूल अल्लाह अल्ला वसलम ने इसकी हिफाज़त के लिए मौला अमीर उमेन सलाम की विलायत का ऐलान फरमाया ये वाला मौजू इन्होंने डिस्कस किया है शरह दुआए दुआ में अभी बताते चलें कि यह किताब है कि जिसे मुनज़म किया गया है आयतल उसम सैदरूल्हुमैनी की बाकी दीगर तमाम तालीफात से कि जहां पर आयम सलाम के फजाइल ब बयानी फरमाए उन्होंने विलायत या वलायत अब यहां पर उन्होंने मौजूद डिस्कस किया है कि जब बाज रिवायात में बाज वाजबात के साथ विलायत आया है तो क्या विलायत सलाम और ये वाज़बात एक सफ में हैं तो ये फरमाते नहीं वहां पर वलायत पढ़ना होगा और वलायत के माना है उस मोहब्बत के और विलायत यानी जो अल्लाह सुबहान तला ने इनको अता फरमाई है और तमाम आलम पर उनको एक तसल्लुत अता फरमाया है अल्लाह ने अता फरमाया है तो वो विलायत है और उनको बाकी वाजबात की लाइन में ना रखा जाए फरमाते हैं कुछ लोग गुमान करते हैं कि विलायत दीगर वाजबात की तरह एक वाजिब है जो इन वाजबात का हम मर्तबा है या इनसे कुछ अहम है इस गुमान की वजह यह हदीस है कि इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर इस्तेवाल है जिनमें से एक विलायत है हमारे उस्ताद आरिफ कामिल जनाब शाह आबादी दाँ इर्शाद फरमाते थे इस हदीस में मशकूर लफ्ज़ वलायत को ज़बर के साथ वलायत पढ़ना चाहिए जिससे मुराद महबत है जबकि वो विलायत जो दीन का एक रुकन बल्कि इसकी जड़ और इसका माये कमाल वह विलायत है कि जो कसरा यानी जेर के साथ पढ़ी जाती है ये वाला मौजूद भी आपने शरह दुआ शहर में डिस्कस फरमाया है। विलात अमानत इर्शाद बारी ताला है के हाँ अमानत विलयत मतलक़ा से इबारत है इंसान के अलावा इस अमानत का अहल और कोई मखलूक नहीं हो सकती ये विलायत मतलक़ा वही फैज मुकदस है जिसकी तरफ कुरान शरीफ में इन अल्फाज में इशारा हुआ है कुल्लो शाइन हाल कुन इल्ला वजह हु उसूल काफी शरीफ में एक हदीस में हजरत इमाम बाकरुल उलूम अलैहि सलाम फरमाते हैं नहनु वजह अल्लाह हम ही वजह खुदा हैं दुआए नुदबा में मस्कूर है ऐना वजह अल्लाह लदी यतवज्जहु अलैहि इलैहि अल औलिया ऐना सबबुल मुत्तसिलो बैन अल अर्द व समा कहाँ है वो चेहरा जिसकी तरफ लिया रुख करते हैं अहले जमीन और अहले आसमान के माबेन इतसाल का जरिया कहाँ है अमानत बातनी लिहाज से हकीकत विलायत है और जाहिर लिहाज से शरीय या दीन इस्लाम या कुरान या नमाज से इबारत है और ये दोनों मौजूद चहल हदीस में और दूसरा मौजू आपने डिस्कस फरमाया है आदाब सलात में सबसे पहली मखलूक और सबसे पहला नूर इन हजरात आसलम की इब्तदाई खिलकत और इनकी अरवाह की तीनत के बारे में नीज़ इस बारे में कि सबसे पहली मखलूक रसूल और हज़रत अली सल्हिम व आल की अरवाह या हजरत मासूमी की अरवाह हैं बसायर दरजात अब पेज नंबर सिक्सटी थ्री में अनवार की खिलकत इमाम सादिक सलाम की हदीस में यहाँ हम बतौर तबरों के हदीस नकल कर रहे हैं जो हमारे मकसूद पर कामला दलालत करती है और जिस पर हमने अल्लाह के करम से बुरहान जौकी कायम की है काफ़ी शरीफ में अहमद इबन महमद इबन अब्दुल्ला बिन उमर बिन अली इबन अबी तालब हज़रत इमाम से नकल करते हैं कि आपने फरमाया अ इस वक्त भी था जब था भी न था यानी अल्लाह सुबहाना हुआ ताला उस वक्त भी था कि जब अल्लाह के लिए था भी इस्तेमाल नहीं हो सकता था बस इसने कौनो कौन मकान को हल्क़ फरमाया और अनवार को नीज़ नूरुल अनवार को हल्क फरमाया जिससे दीगर अनवार रोशन हुए अल्लाह ने इस अनवार में अपने नूर को दाखिल किया जिससे दीगर अनवार मुनवर हुए ये वही नूर है जिससे अल्लाह ने मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वम और अली को हल किया बस इन दोनों को सबसे अवलिन नूर की हैसियत हासिल रही क्योंकि इन दोनों से पहले कोई चीज़ मौजूद नहीं थी बस ये दोनों नूर तााहिर और मताहिर मुतार रहते हुए पाकिज़ा इस्लाब में मुन, मुसलसल मुंतकिल होते रहे यहाँ तक के पाक तरीन सुल्ब में यानी हज़रतः हजरत अबू तालिब के सुल में जुदा हो गए नूर साथ चले और यहाँ आकर जुदा हो गए काफी में है ये मौजूद और अब पेज नंबर पैगंबर अक्रम और अम्बिया के साथ अलीम की माइत इसीलिए हजरत अली ने फरमायांबिया मैं तमाम अम्बिया के साथ पोशीरा पोशीदा तौर पर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के साथ बतौर आश्कार मौजूद रहा हूं और यह मौजू है मिसबा उल हदायत में अब पेज नंबर एक सौ अठारह में ओलिया इलाही का के तसल्लुत का राज ये जान लेना जरूरी है कि तफवीज महाल है इससे मुराद यह है कि अल्लाह के, अल्ला के हाथ बंधे हुए हैं और बंदा अपनी ताकत और इरादे में खुद मुख्तार है अब यहाँ पर जहन में रखें कि जब फ़वाइल अहतमल सल्लाम बयान होते हैं तो आमतौर पर शोशा लाया जाता है कि हम तफवीज़ की बात कर रहे हैं तो ये फरमाते हैं कि ना तफवीज़ बातिल है और बिला शक तफवी वालत है आयम सल्लाम ने वाज मना फरमाया है अब यहाँ पर हम तोज्जो दिलाएँ कि हज़रत ईसा सलाम के हवाले से जिस आयत को हमने सराम कलाम करार दिया अन्य अखल्लकूमन तीन कहियत तैरफ़ान्फ़ो खुफ़ी पैकून तयरमब इज़नला वब्रकमा उब्रसमतब इज़नल तो यहाँ इस पूरी आयत का जो असल मौजू है वो ये कि जो कुछ हज़रत ईसा सलातम के पास है जो कुछ महमद महमद्लम और बाई अम्बिया और अलिया और उनके अवसिया के पास है वह सब का सब अल्लाबहना हुआ ती का दिया हुआ है बस हजरत ईसा मट्टी से परिंदे जैसी चीज बनाते हैं और उसके लिए फरमाते लकुम अब यहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि अगर हम किसी शायर के लिए कहें कि यह शेर इसकी तखलीक है यह पेंटिंग इसकी तखलीक है यह साइंसी टेक्नोलॉजी इसकी तखलीक है तो यह शिरक हो गया हर चीज की एक तो की जाती है एक लफ्ज को मुख्त नस्बतों से इस्तेमाल किया जाता है अल्लाह व तौला के लिए भी हम कहते हैं कि वह हई है, है अपने लिए भी हम कहते हैं कि हम हई है हैं और अम्बिया के लिए भी हम कहते हैं हई हैं लेकिन ये सब एक नहीं है लिहाजा ये जो हमारे यहां मामला हो रहा है कि बड़े आराम से हलू कह दिया जाता है क्योंकि एक लफ्ज़ दूसरे के लिए इस्तेमाल हो गया तो यहां पर हम तोज्जो दिलाएं कि एक लफ्ज़ दूसरे के लिए यानी एक ही लफ्ज अल्लाह व तला के लिए मिसाल के तौर पर खुदा व तबारक व तौला भी आलिम है तबारक वाल भी हाई है खुदाबंद तबारक वाली भी कादिर है हम भी कह सकते हैं कि हम इलम रखते हैं हम कुदरत रखते हैं लेकिन हमारा इल्म, हमारी कुदरत और हमारी हयात अल्लाह सुबहान तुदरत और हयात जैसी नहीं है न फकत हमारी बल्कि किसी भी नबी की नहीं है अब हजरत ईसा ने जब मुजस्मा बनाया तो उस मुजस्मे में उन्होंने बेहुक्म खुदाबंद तबारक वाली फूक मारी अब वो लाख दफा फूक मारते कुछ ना होता लेकिन अगर वो मुजस्मा परिंदे का मुजस्मा परिंदा बन गया उड़ने के काबिल हो गया तो वो किसके जरिए से हुआ बेज़न ओबरीमाब्रसा और जब वो नाबीना को मादरजाद नाबीना को शफा देते थे और कोड़ी को शफा देते थे तो वो सबका बेजन था। अब हजरत ईसा सल्लाम लाख दफा भी हाथ फेरते कुछ ना होता लेकिन अल्लाह ने उन्हें यह वलायत दी है कि हाथ फेरो तो यह हो जाएगा और ये सब कुछ क्यों होगा बेज़मिल्ला तो मासूमिन के फजाइल के साथ भी इस चीज़ की तवज्जो रहनी चाहिए खुदाबंद तबारक ने इलल और इसबाब का सिलसिला रखा है और रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम को तमाम आलमीन के लिए रहमत करार दिया है मौला आमिर उन्हीं के नूर से हैं और इनके पास विलायत है और बिला शक विलायत रसूल अल्लाह सल्लम जैसी विलायत किसी के पास भी नहीं है अब यहाँ पर हम तवज्जो दिलाएं इरशाद खुदाबंद तबारक वाली है मिनल माए कुल्ला शन है कि हमने पानी से हर, हर शह को हयात दी किसने हयात दी अल्लाह ने दी किसके जरिए से दी पानी के जरिए से दी क्या ये शिरक है अगर हम ये कहें कि अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मर जाऊँगा दवा नहीं खाई तो मर जाऊँगा अगर मैंने खाना नहीं खाया तो कमज़ोर हो जाऊँगा और अगर मैंने सांस नहीं लिया तो मर जाऊँगा तो यहाँ पर कहा जाएगा कि ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है अल्लाह ने इसबाब करार दिए हैं और इन चीज़ों को इस्तेमाल करना या इन चीज़ों के ज़रिए से मदद लेना खुदा ही के केजन से है और उसी के हुक्म से है लिहाजा हम दवा अगर खाते हैं ज़ा अगर खाते हैं तो उसका जो नतीजा है उसके जो असरात हैं वो अल्लाह सुबहाना हुआ तला ही की जानब से हैं हम डॉक्टर के पास भी जाएँ तो हमारी कैफियत यह होनी चाहिए कि अल्लाह तेरा शक्र है कि तू मुझे डॉक्टर के पास जाने की तोफ़ी अदा फरमाई अब तो इसको सही तशीस की तोफ़ी अता फ़रमा तोफीक अल्लाह की जानब से होगी इजन अल्लाह की जानब से होगा लेकिन डॉक्टर तशीस देगा जब व तशीस दे तो हमारी कैफियत यह होनी चाहिए या अल्लाह अब तो इसको सही दवा प्रिस्क्राइब करने की तोफ़ी अदा फरमा और जब वह दवा हमारे हाथ में आ जाए तो हम शुक्र खुदावन तबारक व ताल करें और ये कहें कि या अल्लाह तू इस दवा में मेरे लिए असर रखेगा इस दवा के जरिए से मुझे बीमारी से निजात अता फरमा ये वो तोहद का बहुत ही सा सिलसिला है और जिस तरह से पानी में दवा में खाने में इन चीज़ों में असरात हैं बिल्कुल इसी तरीके से व ताला ने अम्बिया को मलाया को मुख्तलिफ ताकतें दी हैं और उनके ज़रिए से मुख्तलिफ अमूर को अम्बिया और आइम्मा और मलाया अंजाम देते हैं और ये बहस कतअअ इस कतल गलू से नहीं है हाँ गलू कब होगा कि जब हम ये कहें कि ख़ुदा वंदबारक वाली अपनी ताकत देकर माजल्ला माजल्ला हट गया है या यह कि जो इनके पास ताक़त है वो अल्लाह सुबहाना ताल की नहीं है या ये कि कोई इनको अल्लाह कहे लेकिन ऐसी सूरत में भी किसी को भी कत्ल का हुक्म सादिर करने की इजाज़त नहीं है यह बिल्कुल तकफीरियत होगी यहां पर समझाया जाएगा पाकिस्तान में तकफीरी माहौल बनाना देवबंदियों के साथ और मुख्तलि दहशतगर्द जमातों का हम ख्याल बनना हम प्याला बनना हम वाला बनना वो लोगों को काफ़िर करार दे के कतल का फतवा दें आप लोगों को गाली बना के कतल का फतवा दें ये काम बिल्कुल पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए और लोगों के ईमान के लिए ख़तरनाक है हमारा काम यह होना चाहिए कि लोगों को सही हक़ाइ से आशना करें अब यहाँ पर यह गुफ्तु फरमाते हैं कि जिस तरह ज़ईफ़ बंदे छोटे कामों मसलन हरकत व सुकून वग़ैरह पर कादिर हैं इसी तरह से ख़ास बंदे और फरिश्ते अजीम कामों मसलन ज़िंदा करने मारने रिस्क देने खल करने और फ़ना करने पर कादिर हैं यानी जिस तरह से हम छोटे छोटे ये काम कर लेते हैं ये किसकी ताकत से अल्लाह की ताकत से फरमाते हैं जो अज़ीम हस्तियाँ हैं उनमें मलायक भी हैं और अम्बिया भी हैं वो भी ये काम कर सकते हैं हती मुरदे को ज़िंदा भी कर सकते हैं और ये बाकी काम भी अंजाम दे सकते हैं जिस तरह हजरत मौत लोगों को मौत से हमकर करने पर मामूर है इनका मारना कबूलियत दुआ की तरह से नहीं है अब यहां पर ये यह फरमा रहे हैं कि जब हम आयमा आयमल में तवसल करते हैं तो ये ना कहा जाए कि आप दुआ मांग रहे हैं तो ये फरमा रहे हैं ना दुआ मांगने की तरह से नहीं है जिस तरह से मलाय का मौत देते हैं तो क्या इसके माना यह है कि ये दुआ की कबूलियत हो रही है ना ये अल्लाह की जानब से एक पावर दी हुई है किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है। इसी तरह अगर कोई वली एक कामिल और कोई ताहिर और ताकतवर नफ्स मसल नफूस व वलिया अल्लाह की कजा और कदर के मुताबिक फना करने हल्क करने मौत से हमकिनार करने और जिंदा करने पर क़ादिर हो तो इसे तफवीज कहना दुरुस्त नहीं जो कि बातिल और महाल है इसी तरह अगर कोई वली ये कामिल और कोई ताहिर और ताकतवर नफ्स अब ये कौन हो सकते हैं नफूस अम्बिया वौलिया अल्लाह यानी अम्बिया के अवसिया खसूस मौल अमीरमेन आल सलामाम और बाकी के आर आईम्सम के फरमाते हैं कि अगर ये अल्लाह के कज़ा और कदर के मुताबिक किसी को फ़ना कर दें किसी को खल कर दें किसी को मौत से हमकरान कर दें किसी को ज़िंदा कर दें तो इस तफ़ीज़ नहीं कहा जाएगा बल्कि क्या है यानी यह एक विलायत है अल्लाह सुबहाना की तानब से अगर अल्लाह अपने बंदों के अमूर का इख्तियार ऐसी कामिल रूह के सुपुर्द कर दे जिसकी पसंद अल्लाह की पसंद में फानी हो जिसका इरादा अल्लाह के इरादे का परतव हो और जो अल्लाह के इरादों के मनाफी कोई इरादा ना करने नीज़ अल्लाह के कामिल तरीन निज़ाम के बरखिलाफ कोई हरकत न करे ख्वा इसका तल्लु तखलीक व इजाद से हो या तश्रे व तरबियत से हो तो इसमें कोई मुजायक नहीं बल्कि यह बर

अहकाम को वहीं से हासिल करते हैं जहां से पैगंबर अक्स करते हैं अलबत् इस फ़र्क के साथ कि वली खास के लिए नबी की वसात से अहकाम रोशन होते हैं जबकि नबी के लिए बरा रास्त तालिकात अला शरफूसम यानी आयोलम रसूल अल्लाह सल वसलम से लेते हैं अब ये लद्न्नी क्या है हमारे आयमा जो कुछ लोगों की हिदायत और असलाह के लिए बयान करते हैं वो रसूल अल्ला व कामिल लदुन्नी का सरचमा सरचमे से माखूज था जिसका माखज खुद वही इलाही और इल्म रब्बानी था ये इल्म, शैतानी कबासात व अख्तरात से आरी है यहाँ पर आरी व मुबर्रा है यहाँ पर तवज्जो दिला रहे हैं क्योंकि अहले अहिलसन्नत के नज़रिया है कि एक दास्तान है हैरानी की जिसे हम करीब डिस्कस करेंगे कि माज़ल्लह माज़ल्लम्ह रसूल अल्लाह पर शैतान ने कुछ इल्का कर दिया था तो ये फ़रमाते हैं कि ये हमारा नज़रिया बिल्कुल नहीं है जिस तरह रसूल अल्लाह रसूल अकरम के बारे में इरशाद हुआ वमा अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही ने यूहा इसी तरह ये बात आय हुदा के कलाम पर भी सादक आती है जैसा कि शरीफा में इस बात की तरफ़ इशारा है और ये वाला मौजू भी शर है हदीस जुनूद व अक्ल में आपने डिस्कस किया है अब यहाँ एक बड़ा अहम मौजू है निजाम इमामत इस्लाम और इतिहाद बैन अमुसलम का जामिन है हुकूमत की तशकील का मकसद ये होता है कि निज़ाम ज़िंदगी और मुसलमानों के इतिहाद की हिफाजत हो हज़रत जहरा अलैहा अपने खुतबे में फरमाती हैं इमामत का मकसद निज़ाम की हिफाजत करना और मुसलमानों के अफराक़ को इतहाद में तब्दील करना है ये इशारा है हैज़रत फातमा सलाम के ख़ुब फ़दकिया की जानिब कि जिस चैप्टर की इब्तिदा उन्होंने फरमाई थी व ईमाना और उसी पर बाद में अतफुआ वताअतना नजाम लिलमिलत कि हमारी इतात मिल्लत के नज़्म ज़ब्त के लिए है व इमामतना कि अल्लाह सुबहान हमारी इमामत करार दी है इमामन इमानन लिल फ़ुरत और बाद जगह बयान हुआ है मिनल फ़ुरत कि हमारी इमामत यानी मौला अमीरुल मोमिनीन और उनके फ़र्जंदों की इमामत किस चीज़ के लिए मुसलमानों को इफ्तराक से जुदा करने के लिए या इसका नतीजा क्या निकला मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए मौला अमिरम्न की इमामत के बारे में रिशात फरमाते हैं कि क़्यामत के दिन लोगों को रोका जाएगा और इनसे विलायत अली अबिनबी तालब के बारे में सवाल पूछा जाएगा अगर अली की विलायत और आपकी मार्फत ईमान का हिस्सा ना हो और दीन से मरबूत ना हो तो ये सवाल फजूल और बेजा होगा यानी मौला अमिर की इमामत और विलायत जो है वो और उनकी मारफत दीन का हिस्सा है वातस हबल हबल्ला जमीन वल तफर के बारे में सुन्नत की चार अहदीस मस्कूर हैं कि हबल्ला जिससे तमस्क लोगों पर वाजिब है से मुराद अली अलैहि अब व सलाम हैं तो जब इतिहाद की बात हो तो यह भी बयान करना चाहिए पेज नंबर वन फिफ्टी थ्री अब यहां पर एक अहम किताब के जो इंडिया में लिखी गई और उसका नाम है अबकातुल अनवार और ये किताब लिखी है हज़रत आयतुल्लाज़मा मीर हामिद हुसैन लखनवी ने और इसे मुकम्मल किया है आयतुल्लास्मा मीर नासिर हुसैन लखनवी ने और ये पूरी तारीख़ तशैयों में इमामत के बारे में इससे बड़ी कोई किताब नहीं लिखी गई और इन किताबों को छपना चाहिए और ये जो इदारा इतना शोर कर रहा है निज़ाम इमामत का वो कम से कम इस किताब का खुलासा ही छाप दे या कम से कम अपनी वेबसाइट पर ही इसको ले आएं ईरान में इस वक्त इसका ख़ुलासा तेईस जल्दों में हजरत आयतुल्ला उज़्मा सैद अली ये मिलानी ने कि खुदा तबारक उनको उम्र अता फरमाए सेहत और आफियत के साथ और वो हमारे उस्ताद भी थे तेईस जल्दों में उन्होंने अरबी में खुलासा किया है और अब उसको असल क्योंकि फारसी में थी वो उसको छाप रहे हैं तो आप फरमाते हैं अब खातुल अनुर के बारे में इस जैसी किताब अब तक नहीं लिखी गई इसके मुसन्फ़ जलील सैयद और लामा जमान मीर हामिद हुसैन हिंदी थे ये जो हमारे यहाँ मुँह फाड़ के कह दिया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान में उलमा ने काम नहीं किया तो याद रखें कि इमामत के बारे में ऐसी किताब कि जिसके बारे में खुद हज़रत आयतल उजमा सैद हु मूसफी इर्शाद फरमाते हैं कि ऐसी किताब अब तक नहीं लिखी गई आखिर में हम तोजह दिलाएं कि जब शैतान की ताकत की बात होती है तो चाहे हमारे अफराद हों नाम नहाद चाहे अहल सुन्नत के बाद अफराद हों वो वहाँ पर कभी भी शक नहीं करते कि शैतान क्या क्या कर सकता है वो हमें देख भी सकता है सुन भी कर सकता है और वसवसा भी कर सकता है सारे शकूक शुबहत और गुलू की जो बहसें आती हैं वो आती हैं रसूल अल्लाह सल्ला वसलम और उनकी आल के बारे में अब हमारी गुजारिश है दोबारा वो लोग जो निज़ाम इमामत और इमाम खुमैनी का नाम लेके गलत नजरियात फैला रहे हैं वो कभी इन चीज़ों को भी डिस्कस करें और साथ में जो लोग तोहन कर रहे हैं इन लोगों की वजह से आयातल सैद रूल्ला मूसफी हमैैनी की जो वाकन मज़ब बैत के ख़िदमत गुजारों में से एक अजीम फर्द थे उनकी तोहिन न की जाए बल्कि इनका मामला उनका मामला अलग रखा जाए हाँ अगर आप ये समझते हैं कि उनको छेड़ उनको छेड़ना है इस लाहरी मदरसे के उस्ताद को तो छेड़ना अच्छी बात नहीं है इलमी जवाब होने चाहिए हाँ अगर चेहरे से नकाब हटानी है तो फिर उनके देवबंदी दहशत गर्दों के चेहरे से नकाब हटाएं उससे उन्हें अजियत होगी मुतमईन हो जाएं कि आयतल खुमैनी के, के तोहन से उन्हें अजियत नहीं होती यही वजह है कि आप देखें कि जब उनकी तोहन होती है तो वो और उनकी टीम वाले लोग ज्यादा शोर नहीं मचाते बल्कि जब हम अहल बैत का जिक्र करते हैं और तशैयों का दफा करते हैं और दुश्मन अहल बैत के चेहरे से नकाब हटाते हैं तो उससे उन्हें ज़्यादा अजियत होती है इन चीज़ों को समझना चाहिए दुआए के ख़ुदाबंद तबारक व ताली हमें अपनी अपने रसूल अपनी हजतों खूस इमाम सलाम की मार्फ़त और इतात की तोफ़ी ख़तः फरमाएँ बसल महमद ताहरीन